Hi guys, welcome to Artifier Life and today we are going to make tutti frutti cake with home ingredients. So without wasting any more time, हम करेंगे इसकी recipe start. And friends, subscribe to my channel. नीचे जाके subscribe button को hit कर दीजिए and also hit that bell icon जिससे आपको new videos की notifications and updates मिलती रहेंगी. तो पहले हमने यहाँ पे लिया एक loaf tin and इसके ऊपर हम यहाँ पे place करेंगे एक parchment paper and then हम यहाँ पे इसको grease कर रहे हैं butter के साथ. एंड देन हम यहाँ पे इसके ऊपर डस्ट करेंगे सम फ्लावर जिससे ये नॉन स्टिक बन जाए. एंड इसको रखेंगे हम साइड में. एंड यहाँ पे हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल. इसके अंदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ कर्ड. तो ये कर्ड बेसिकली फ्रेश है. एंड देन हम यहाँ पे इसके ऊपर प्लेस करेंगे एक स्ट्रेनर एंड ऐड करेंगे 1/2 कप ऑफ पाउडर शुगर एंड इसको अच्छे से कर लेंगे स्ट्रेन जिससे इसके अंदर कोई भी लंप वगैरह नहीं रहे. एंड देन हम इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से कर लेंगे विस्क यहाँ पे. एंड हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ अनफ्लेवर्ड ऑयल. यू कैन टेक एनी अनफ्लेवर्ड ऑयल. एंड इसको इसके साथ हम अच्छे से कर लेंगे यहाँ पे विस्क. एंड हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप ऑफ ऑल पर्पज फ्लावर. तो ये बेसिकली स्टिफ था. इसको हम अच्छे से कर लेंगे इसके साथ मिक्स यहाँ पे. एंड हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क एंड इसको अच्छे से कर लेंगे हम विस्क. एंड मिल्क को हमको ऐड करना है एज नीडेड. सो हम यहाँ पे थोड़ा और मिल्क इसके अंदर ऐड करेंगे एंड देन अगेन विस्क करेंगे इसको. एंड फ्रेंड्स, डू शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं थोड़ा और मिल्क एंड इसको हमको अच्छे से करना है विस्क अंटिल इट टर्न्स इनटू द रनिंग बैटर. इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए. एंड हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ कस्टर्ड पाउडर. इससे इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा. इसको हम यहाँ पे इसके साथ अच्छे से कर लेंगे मिक्स. सो हम यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा और मिल्क ऐड करेंगे एंड इसकी कंसिस्टेंसी को हम थोड़ी रनिंग बना लेंगे. सो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है अब. एंड हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून ऑफ पाइनएप्पल एसेंस एंड देन 1/2 टीस्पून ऑफ वेनिला एसेंस. इन दोनों एसेंस से इसके अंदर बहुत अच्छा सा टूटी फ्रूटी केक का फ्लेवर आएगा. एंड हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा को हम यहाँ पे करेंगे स्किप बिकॉज हमने यहाँ पे कोई भी एसिडिक इंग्रेडिएंट नहीं लिया है. एंड हम यहाँ पे लिया है यहाँ पे 3 टेबल स्पून ऑफ टूटी फ्रूटी एंड इसके अंदर ऐड करेंगे हम यहाँ पे 1/2 टीस्पून ऑफ फ्लावर एंड देन इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स. तो इस स्टेप से ये बॉटम में सिंक नहीं होंगे. एंड हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे एंड देन हम इसको वापस अच्छे से कर लेंगे मिक्स. एंड देन हम यहाँ पे इसको एक सिलिकॉन स्पैचुला के हेल्प से साइड से स्क्रैप करके कट एंड फोल्ड टेक्निक से मिक्स कर लेंगे. एंड देन हमने यहाँ पे लिया है एक लोफ टिन एंड देन हम यहाँ पे सारे बैटर को इसके अंदर कर देंगे ट्रांसफर. सो ये केक बिल्कुल मिनिमल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनके रेडी होगा. एंड हम यहाँ पे इसको करेंगे टैप एंड इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे सम टूटी फ्रूटी. एंड बहुत ज़्यादा इजी तरीके से ये केक बन जाता है. एंड इसको करेंगे यहाँ पे हम टैप एंड ये जाएगा ओवन में अब. तो हम इसको बेक करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 180 डिग्री एंड टाइम 25 to 30 मिनट्स. तो यहाँ पे ये अच्छे से हो चुका है बेक
एंड यहाँ पे हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं एक टूथपिक एंड चेक करेंगे। सो ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, सो हम इसको साइड साइड से अच्छे से चेक करेंगे एंड देन हम यहाँ पे इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे एंड हम यहाँ पे इसको डीमोल्ड करेंगे अब। सो ये केक एकदम अच्छे से बेक हो चुका है एंड इसके पार्चमेंट पेपर को हम कर देंगे रिमूव। सो ये केक बहुत अच्छे से बेक होके रेडी हो चुका है एंड ये साइज में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और बहुत ज़्यादा फ्लफी बना है। तो ये रेडी टू सर्व एंड हम यहाँ के इसकी स्लाइसिस को कट करके सर्व करेंगे एंड फ्रेंड्स डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर्टिफायर लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।